अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज़िफ़ मोहम्मद आरिफ़, वाली साहब मोहम्मद आरिफुद्दीन, ओनर ऑफ आफिया प्लाज़ा। आज कुछ जल्दी मैं आप सबके सामने टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट का मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिएगा उसको गौर से देखिएगा। ये देखिएगा ऑनरेबल जज सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद 2007 का है, जो मेरे मोहम्मद आरिफुद्दीन सेकेंड पार्ट है, मेरी वालदा और करीमुल्ला सिद्दीकी और उसके साथियों के बीच में जो कोर्ट केस हुआ था। और क्लियरली मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीटली बताना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 10 F1, F2 and F3 शॉप F12 ऑन द फर्स्ट फ्लोर मॉर्गेज विद द डिफेंडेंट नंबर 4 जो करीमुल्ला सिद्दीकी का साथी है और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में, विद इंडियन ओवरसीज बैंक इट इज फर्दर सबमिटेड द शॉप्स नंबर F9, F13, F14 ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड शॉप नंबर G9 यानी ग्राउंड फ्लोर मॉर्गेज विद द डिफेंडेंट विद फिफ्थ कॉरपोरेशन बैंक। तो ये सब आप देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक करीमुल्ला सिद्दीकी जिस हिसाब से मॉर्गेज करके इंडियन ओवरसीज बैंक को कॉरपोरेशन बैंक से वो धोखे से प्रॉपर्टी बेचा था शेख नोहरा को, तो आपको ये बतलाना बहुत क्लियर था। है काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, 20 पेज के डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करना होना मुमकिन है का, तो मैं आपको इसमें आपके शैतान का कल कुछ उसकी बातों में पॉइंट्स निकाला हूँ, तो उसका जवाब क्या उसके बारे में आपको डिटेल देना कंपलसरी है। कानूनी दाव पेच ये जानता है और बराबर जानता है, कानूनी दाव पेच जानने के तरफ से ये लोगों को ब्लैकमेल करता है, ठगता है हैदराबाद के लोगों को। उसी तरह जिसी तरह मेरे वालिद साहब को ब्लैकमेल करके डरा के धमका करके ज़िंदगी तमाम मैंने 2005 या 2006 से रखा है, और इसने नोहरा शेख के ख़िलाफ़ मेरे वालिद साहब से कई केसेस भी, पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह भी करवाया है, एक या दो पता नहीं कितने हैं, कल मैं देखा हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स में एक दो मिले हैं, इससे पहले भी अपने वीडियो में मैं ये मेंशन किया हूँ। तो जाहिर सी बात है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मोलिस्टेशन का केस जो आरिफुद्दीन पर था मेरे वालिद साहब के ऊपर में, जैसे जो शेख नोहरा की तरफ से आया, वो तो समझने अंडरस्टूड वाली बात है, कोई भी चुप क्यों बैठेगा, वो बेचारे इसके शेख नोहरा के अगेंस्ट में क्या करेंगे, ये जो है सो मेरे वालिद साहब के नाम को लेकर के आगे रख के उन करके कंप्लेंट्स ये वो हरकतें करवाता था, और अपनी ज़ुबान से कबूल भी किया है कि आफिया प्लाज़ा पूरा नहीं कुछ हिस्सा ठगा है। तो ये कुछ हिस्सा नहीं ठगा है, ये ठगा है 2 सेलर और हीरा फ्लोर जो सोल्ड आउट हीरा का फ्लोर था उसके अंदर में 3 मलियाँ सील डीड के तहत उसकी रजिस्ट्री करवा लिया था, और उसके ऊपर के 2 फ्लोर हीरा के ऊपर के 2 फ्लोर जिसने ये रामू को बेच करके पूरे पैसे खा गया, प्रूडेंशियल बैंक में जो पैसे देना था वो पे करके NOC लिया, लेकर के सारे पैसे ये खा गया, टेरेस राइट्स AGPA की तहत वगैरह पूरी बिल्डिंग के खा गया। इसका और हमारा इंटरेक्शन कैसे हुआ वो तो इस सूद पर मेरे वालिद साहब को पैसे लेकर आके देता था 2005-06 में, और सेल डीड के तहत सेलर पार्किंग वगैरह खा गया ये। और एक और चीज़ इसके बारे में मैं कहूँगा, कानूनी दो पेज आफिया प्लाज़ा का, आफिया प्लाज़ा के सराउंडिंग बहुत गौर से सुनिएगा, आफिया प्लाज़ा कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग स्ट्रीट्स जो मोहल्ले हैं जिसका नाम है पहला फसलानसर, मैं फिर से रिपीट करूँगा फसलानसर, सेकेंड मासाब टैंक जो सामने आता है आफिया प्लाज़ा के, जहाँ आफिया प्लाज़ा है, मेहदीपट्टनम उसको लग करके विजयनगर कॉलोनी आसिफ नगर, और आपका देखिए ये इस जगह नामपल्ली और मल्लापल्ली, यहाँ पर आप आ करके जितने लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं, कंप्लेनेंट्स हो और नॉन कंप्लेनेंट्स हो, इसके बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी करवाइए कि आप शहबाज TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी के बारे में क्या जानते हैं। अगर कोई बोला नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बताइए कि आफिया प्लाज़ा मासाब टैंक का चोर के बारे में, तब आपको इसकी पूरी कहानी सामने आ जाएगी। अगर तभी भी लोग पहचानने से थोड़ा हिचकिचाए तो बताइएगा शहबाज पतला आगे आप जानते हैं क्या है स्कैमर ऑफ आफिया प्लाज़ा, तो इसकी पूरी कहानी आप तक आ जाएगी। मेरा आपसे आकर के वीडियो बनाकर एक मैसेज पास करना डे वन से लेकर आज तक यही है कि मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि मुझे बिल्डिंग चाहिए या कुछ चाहिए। हाँ, ये मेरे वालिद साहब के 1.5-2 करोड़ रुपये के ऊपर खा गया, तो आप लोग ये जानिए कि ये जिस बिल्डिंग पे ये रह रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बिजनेस बना के रखा है उसको, वहाँ से M-Top जो है बना करके रखा है, जो हमारा सेलर था, ये इसका वे ऑफ इनकम है, तो उसके पैसे नहीं दे सका, उसको खा गया, तो ये किसी भी इन्वेस्टर की मदद नहीं करने वाला है। आप लोग अपने अपने लीगल लॉयर्स को कंसल्ट करिए। मेरा शुरू से डे वन से एक ही बात है कि जितने कंप्लेनेंट्स हैं और नॉन कंप्लेनेंट्स हैं अपने अपने लॉयर्स को कंसल्ट करिए आप लोग। और एक और चीज़ मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि ये कुरान के ऊपर में
झूठी कसम खाया है मेरे फैमिली मेंबर्स के सामने, तब जा कर के ये हासिल किया था भरोसे से लेकर के ये रजिस्ट्री सेल डीड की तहत के आप ये रजिस्ट्री करिए, आपको बेचने के टाइम पे मैं आपकी इसको नल एंड वॉइड कर दूंगा आपकी रजिस्ट्री, फिर आप बेच करके मेरा पैसा सूद का दे दीजिएगा। ये सूद पर पैसा लेकर आके वालिद साहब को दिया, आई रिपीट, सूद पर लेकर आ करके। और रही बात ये कि अब ये मेरे वालिद साहब हुए या मेरे घर वालों के ऊपर जो सो मेरे ऊपर तो ये खातिलाना हमला कराना की कोशिश किया है, और ये चाहता भी है कि मुझे मार दे। इसने मुझे धमकी भी दी है कि मेरा कत्ल कराएगा करके एक्सीडेंट के तहत किसी भी तरह की। तो मैं आज सबके सामने ये बात बताऊंगा कि मैं आखिरी दम तक इसकी हकीकत सारे हिंदुस्तान में सारे इन्वेस्टर्स के सामने लेकर आके रखूंगा, सिर्फ हीरागुड़ के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, क्योंकि इसका ये प्रोफाइल है ब्लैकमेल चोरी का। इसने मेरे वालिद साहब के पैसों से और मेरे वालिद साहब के जैसे कई लोगों को जिनको ब्लैकमेल करके पैसा उनसे ऐंटा है, उनके पैसों से ये अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह का खर्चा किया है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इससे जितना आप लोग अपना हाथ छुड़ाएंगे उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो 25-30 केजी के है, कितना बोल के मैं आपको दिखलाऊंगा। और क़ानूनी दौर पे चीज़ जो बोलता है ना कि क़ानूनी तरीके से सब कुछ ले लेता है। तो ये जिस हिसाब से कल बता रहा है कि कोर्ट है वहाँ नहीं जाते यहाँ नहीं जाते, ये पूरा ले चुका है सिग्नेचर्स पूरा, ये लोग को वीडियो शूट करके कि आपके आपके होशो हवास में आपके कॉम्प्लेक्स का मैं ले रहा हूँ ये पोजीशन। तो आप ये समझ लीजिए, हम कॉम्प्लेक्स तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि वो सदका गया मेरे वालदा वालिद पे से। आप लोग वो हालत में ना आए जो आरिफुद्दीन साहब की हालत हो गई है, जो हमारे घर की हालत इसने की है। पैसा आज ने कल कमा कोई भी कमा लेगा, हर कोई पैसा कमाता, ये जिसको बोलता है वो तरकारी बेच के कमाती है, वो ये बेच के कमाता है, वो ये बेच के कमाता है, भाई जैसा चोर ब्लैकमेल तो कोई नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, तेलुगु देशम पार्टी में रहे तब से हर पार्टी के लोगों को बड़े बड़े लोगों को ये गंदी गंदी गाली है नवाजा है, सो वाला शख्स है ये। इसको हैदराबाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी किसी भी चीज़ का टिकट का चपरासी भी नहीं रखने वाली है, ये बहुत गंदा है। और मैं आज इसको बदवा हमेशा देता हूँ और आज दूंगा, अल्लाह इसको ज़िंदा रखे और ऐसे कीड़े दे इसके जिस्म में और इसमें कि ये मौत मांगे और अल्लाह इसको मौत ना दे, आल औलाद इसकी तबाह बर्बाद हो जाए और ये इसकी जनाजे की नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे वालदा वालिद सबको लूटा है। मेरे वालदा को कैंसर का पेशेंट ये बनाया है, तो ये ऐसी अल्लाह ताला इसको ऐसा रखे इसकी जनाजे की नमाज ना हो, इसको एक से एक कीड़े इसके बदन में डाले और ये मौत मांगे और इसको मौत ना दे। और ये मुसलमान तो है ही नहीं, क्योंकि इसने कुरान के ऊपर झूठी कसम खाई है रख करके हाथ, तो इससे आप लोग सब जानते ही हैं। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको क्या बताऊँ मैं, मोलेस्टेशन का केस हुआ है जो भी, क्योंकि मेरे वालिद साहब को यूज़ करके शेख नोहरा के ख़िलाफ़ कई बार ये कंप्लेंट्स करवाया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो मेरे वालिद साहब जो है ऑलरेडी मेंटली वीक, फिज़िकली चैलेंज, आई एम सॉरी, मेंटली वीक हो चुके हैं। उनसे तरह तरह की हरकतें, तरह तरह के पैम्पलेट्स बंटवाता था शेख नोहरा के अगेंस्ट में। तो ये ऐसा इस किस्म का अव्वल नंबर का ये पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड स्कैमर है हैदराबाद का। तो आप पूरे हिंदुस्तान वाले इससे देख समझ के रहिए, और आज़ीफुद्दीन के ख़िलाफ़ जहाँ तू जाता तू जा, जहाँ जाता जा, तू जहाँ जाता आता। हाँ, जुल्म सहना भी सबसे बड़ा गुनाह है, अपने वीडियो में कल ये बता रहा था। तो जुल्म के ख़िलाफ़ तो मैं आवाज़ उठाऊँगा, जो जुल्म तू मेरे घर वालों पर किया मैं इसका सबके सामने बतलाऊँगा। ये आफिया प्लाजा का चोर था, चोर है, चोरी रहेगा। बादशाह ज़िंदा भी रहा तो बादशाह ही होता, मरने के बाद में बादशाह की मौत हो गई बोलते, उसी तरह मैं भी आफिया प्लाजा का ओनर हूँ, मेरे मरने के बाद में भी मेरे को आफिया प्लाजा का ओनर ही कहलाया जाता है। और तेरे को ये बोला जाएगा कि ये आफिया प्लाजा का चोर और आफिया प्लाजा का चोर था करके, ये मोहर लगी हुई है तेरे ऊपर, तेलुगु देशम पार्टी से तेरे ऊपर मोहर लगी हुई है। तो मेरे इन्वेस्टर्स भाई और बहनों जितने भी हैं सारे हिंदुस्तान से, इससे बच कर रहिए, ऐसा ना हो कि वो हालत जो हमारी हुई वो आप लोग की हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अपने अपने लीगल लॉयर्स को, आप उनके ओपिनियंस लीजिए, एक से चार लॉयर के पास जाइए, उनके लीगल ओपिनियंस लीजिए, पर इस हरामखोर से आप लोग बचिए। और रही बात मेरे ख़ास दोस्त है जो हीरा ग्रुप में इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं तो उनके साथ जाऊँगा, मेरे ख़ास दोस्त लोग हैं, इन्वेस्ट किए हैं, क्या उनका केस चल रहा है। तो खैर, बोलने का मतलब ये है कि ये एक किस्म का चोर है, चोर ही था और चोर ही रहेगा। डॉक्यूमेंट्स तो बहुत है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। शेख नोहरा हीरा गोल्ड के ऊपर में इसकी जाति दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ उसको पैसे ब्लैकमेल करना, उससे ऐंठना है। इन्वेस्टर्स को 4-5 रुपया दिला देगा, बाकी का 1-2 लाख खा जाएगा ये।
और इसमें कोई शक नहीं है कि 60 करोड़ 100 करोड़ मांगा ही होगा, ये ब्लैकमेलर तो है ही है, लेकिन 60 करोड़ ने बढ़ के ही मांगा होगा। इसने तो पूरी कोशिश भी की थी टोली चुकी की ज़मीन को ये हड़प करके बेचने की, तो खैर इसके बारे में अब क्या बोलें, ये चोर है, चोरी रहेगा। कितना भी उछल ले, कितना भी पुकार ले, तो चोरी रहेगा। आप लोग इससे देख समझ के जितना जल्दी किनारा कर उतना ही फ़ायदा है। लीगल टीम के लीगल लॉयर्स को, इन्वेस्टर्स लोग, आप लोग अब जाइए ओपिनियंस लीजिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है, वो हालत ना हो जिस इसने मेरे घर की हालत वेल प्लान तरीके से कॉम्प्लेक्स को पूरा हथियाया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।